हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी अंडरस्टैंड क्लास थर्ड साइंस टर्म थर्ड चैप्टर थर्ड अर्थ एंड इट्स नाइबर्स, यानी कि हमारे पृथ्वी और उसके आसपास के जो पड़ोसी जो इसके वो। टुडेज आवर टॉपिक्स आर सोलर सिस्टम, शेप ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ, मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून, द स्टार एंड कॉन्स्टलेशंस। इन सारे टॉपिक के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सोल्व द फॉलोइंग रेडल्स। 71% ऑफ इट्स इज वाटर। आपको बताना है कि इसमें 71% वाटर किस पर है, एंड द रेस्ट ऑफ इट इज लैंड। सम ऑफ इट्स इज मेड अप ऑफ सॉइल एंड सम ऑफ इट इज मेड अप ऑफ सैंड। इसमें से कुछ हिस्सा जो है वो जमीन का है, 71% वाटर है, और कुछ हिस्से में सॉइल से बना हुआ है और कुछ हिस्से में सैंड भी है। तो वो आपको बताना है कि ऐसे कौन सी जगह। इस तरीके से ये जो सेकेंड वाला है ये भी बताना है और थर्ड वाला भी बताना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की, कि हमारा सोलर सिस्टम जो है वो क्या है और उसमें कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। वी लिव ऑन द अर्थ। हम अर्थ यानी कि पृथ्वी पर रहते हैं। इट इज़ अ प्लेनेट। ये क्या है? प्लेनेट है। देर आर द 7 मोर प्लेनेट। इसके अलावा 7 और प्लेनेट है। द 8 प्लेनेट आर, और ये सारे 8 प्लेनेट जो है उनके नाम यहाँ पे बताएं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सेटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इस 8ों प्लेनेट के नाम बताएं। ऑल द प्लेनेट गो अराउंड द सन। ये जो 8ों प्लेनेट है ये सन के आसपास घूमते हैं। द सन एंड द प्लेनेट फ्रॉम आवर सोलर सिस्टम। सन और सारे प्लेनेट मिलके हमारा जो है सोलर सिस्टम वो बनाते हैं। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट एंड मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट। जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लेनेट है, यानी कि ग्रह है, और मरकरी जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। द सन इज अ स्टार। सन जो है वो क्या है? एक स्टार है। अ स्टार हैड्स इट्स ओन लाइट एंड हीट। और स्टार की एक ऐसा स्टार है जिसके खुद की हीट है और लाइट है। द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। और जो सन जो है वो सबसे पास का स्टार है अर्थ के। अ प्लेनेट डज नॉट हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट। अब कोई सा भी प्लेनेट हो उसके खुद की हीट या फिर लाइट नहीं होती है। इट शाइन्स वेन द सन्स लाइट फॉल्स ऑन इट। वो कब चमकता है? जब उस पर सूर्य की या फिर सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर गिरता है तब। द सन आल्सो गिव्स हीट टू प्लेनेट। वो सन से ही दूसरे प्लेनेट को हीट मिलती है। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट एंड द नेपच्यून इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट। वीनस जो है वो सबसे गर्म प्लेनेट है और नेपच्यून जो है वो सबसे ठंडा प्लेनेट है, क्योंकि वीनस जो है वो सन के पास में और नेपच्यून जो है वो सन के बहुत दूर है। इसलिए अब हम बात करते हैं अर्थ की। द शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ का शेप कैसा है? अर्थ इज अ थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन। अर्थ जो है वो सन से तीसरे नंबर का प्लेनेट है। इट इज ओनली प्लेनेट वेयर देयर एग्जिस्ट लाइफ। ये ही सिर्फ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। इसके अलावा दूसरे प्लेनेट पे अभी तक लाइफ पॉसिबल नहीं है, यानी कि वहाँ पे कोई जीवित नहीं रह सकता। मिलियंस ऑफ द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस लिव ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पे मिलियंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन रहते हैं। लॉन्ग एंड लॉन्ग एगो पीपल्स टॉट्स द अर्थ फ्लैट। एज द टाइम पास्ड पीपल्स स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द अर्थ। अब क्या हुआ? बहुत समय पहले लोग बाग जो थे वो ये समझ लेते हैं कि अर्थ जो है वो क्या है? फ्लैट है ना? और इसमें क्या हुआ? पीपल्स जो थे वो इधर उधर मूवमेंट करते रहे, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इस तरीके से घूमते रहे। सेलर्स फाउंड द अर्थ राउंड बिकॉज दे सेल्ड एंड सेल्ड एंड रीचेज द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड देयर जर्नी। जो सेलर्स जो थे उन्होंने ये पता लगाया कि हमारी जो अर्थ जो है वो क्या है? राउंड, यानी कि गोल है। वो क्या करते थे? एक जगह से स्थित वो इधर उधर घूमते रहते थे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह गए, दूसरी जगह से तीसरी जगह गए, फिर इधर से उधर वो घूमते रहते थे, तो वापिस वो घूम फिर के वहीं पे आ जाते थे जहाँ से वो स्टार्ट करते थे।
तो इस तरीके से उनको पता चला कि हमारी जो अर्थ जो है वो क्या है, राउंड है यानी कि गोल है। पहला क्या पता चला था उनको कि हमारी अर्थ जो है वो फ्लेट यानी कि चपटी है, बट भाई बाद में उनको पता चला कि हमारी जो अर्थ जो है वो क्या है, गोल है। नाउ फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम द स्पेस प्रूव्ड द अर्थ इज राउंड, और उसके बाद में स्पेस से फोटोग्राफ लिया गया जिससे पता चल गया कि हमारी जो अर्थ जो है वो राउंड शेप में यानी कि गोल है। ये फोटो जो दिया हुआ है ये अर्थ का फोटो है। अब सरफेस ऑफ द अर्थ यानी कि अर्थ पृथ्वी की जो सतह है वो कैसी है। द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ वाटर एंड लैंड, हमारी जो अर्थ की जो सतह है पृथ्वी की जो सतह है वो वाटर और लैंड दोनों से बनी हुई है। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर, अगर हम बात करें अर्थ सरफेस की तो 3/4 पार्ट जो है वो पूरा किस्सा भरा हुआ है वाटर से। द रेस्ट 1/4 इज लैंड, और बाकी का जो 1/4 बचा वो क्या है, लैंड है यानी कि जमीन। दिस शोज द डेट मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अधिकतर जो अर्थ सरफेस जो कवर्ड है वो किससे, वाटर से कवर्ड है। वाटर इज फाउंड इन पोन्ड्स रिवर लेक सीज एंड ओशन, और पानी कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे पोन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, ओशंस में, सीज में, इन सब जगह पर पानी भरा हुआ है। लैंड इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ हिल्स माउंटेन प्लेन्स डेजर्ट प्लेचू एंड वैली, और जो लैंड यानी कि जो जमीन है वो किस फॉर्म में पाई जाती है, हिल्स के फॉर्म में, माउंटेन के फॉर्म में, प्लेन्स के फॉर्म में, डेजर्ट के फॉर्म में, प्लेचू और वैली के फॉर्म में। इस तरीके से जो हमारी जो अर्थ की सरफेस है वो पूरी कंप्लीट होती है। फैक्ट 5, द इमेजिनरी लाइन वेयर द स्काई अपेयर्स टू मीट द अर्थ इज कॉल्ड हॉरिजॉन, जो इमेजिनरी लाइन जहाँ पे स्काई जो है वो मिलता है अर्थ से वो क्या कहलाते हैं, होरिजन लाइन कहलाती है, वो होरिजन कहलाता है। द अर्थ इज आल्सो सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ एयर, हमारी जो अर्थ जो है वो किससे और घिरी हुई है, एयर से। दिस लेयर प्रोटेक्ट द लाइफ ऑन द अर्थ, यही जो लेयर है एयर की ये क्या करती है, लाइफ को प्रोटेक्ट करती है अर्थ पे, क्योंकि बिना एयर के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारी अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। द अर्थ इज ओनली प्लेनेट वेयर देयर एग्जिस्ट लाइफ, सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, दूसरे प्लेनेट पे नहीं है। दिस इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे एयर और वाटर दोनों ही प्रेजेंट है। अब मोमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो मूवमेंट है वो किस तरीके से होता है। द अर्थ मूव्स ऑन एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड एक्सिस, अर्थ जो है वो एक इमेजिनरी लाइन में मूव करती है जिसको एक्सिस कहा जाता है। द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस लाइक अ टॉप, जिस तरीके से एक टॉप मूवमेंट करता है उसकी खुद की एक्सिस पे, उसी तरीके से अर्थ भी मूवमेंट करती है। तो मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, अर्थ जो है प्लेस पे मूवमेंट करती है उसको क्या कहा जाता है, रोटेशन कहा जाता है। द अर्थ टेक अबाउट 24 आवर्स और अ डे टू कंप्लीट इट्स 1 राउंड ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ जो है वो खुद की जगह पे एक राउंड कंप्लीट करने में कितने 24 आवर्स लगाती है, यानी कि एक दिन पूरा लगता है उसको। द डे एंड नाइट आर कास्ट बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ, हमारे जो दिन और रात जो होते हैं वो रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण ही होते हैं। इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। द अर्थ इज अ प्लेनेट, अर्थ क्या है, एक प्लेनेट है। इट गोज राउंड द सन ऑन द अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, ये इसलिए ये क्या करती है, हमारी अर्थ जो है वो क्या एक प्लेनेट है, इसलिए वो क्या किसके चक्कर लगाती है, सूर्य के चक्कर लगाती है एक फिक्स्ड पाथ में, जिसको क्या कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, अब हमारी पृथ्वी जो है वो किसके चक्कर, सूर्य के चक्कर लगाती है, इसलिए उसको रिवोल्यूशन कहा जाता है। द अर्थ टेक अबाउट 365 डेज और अ ईयर टू कंप्लीट इट्स 1 रोटेशन, हमारी अर्थ पृथ्वी जो है वो 365 दिन या फिर 1 साल जो है वो लगाती है पूरा एक रोटेशन को कंप्लीट करने में। सीजन्स ऑन द अर्थ आर कास्ट बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन, हमारे यहाँ पे सीजन जो है वो भी चेंज होते रहते हैं, वो भी रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ के कारण ही होते हैं।
तो ये तो अर्थ के बारे में हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। अब आगे हम पढ़ते हैं मून के बारे में। द मून, वी सी द मून एट नाइट, हमको रात में चांद दिखाई देता है। इट इज़ नॉट अ प्लेनेट, ये एक प्लेनेट नहीं है। इट इज़ अ सेटेलाइट, ये क्या है, एक सेटेलाइट है, यानी कि उपग्रह है। अ सेटेलाइट गोज अराउंड अ प्लेनेट ऑन इट्स ऑर्बिट, सेटेलाइट जो होता है वो क्या करता है, प्लेनेट के चक्कर लगाता है उसकी फिक्स्ड ऑर्बिट पे। द सेटेलाइट डज नॉट हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट, किसी भी सेटेलाइट की खुद की हीट या फिर लाइट नहीं होती है। इट शाइन्स वेन द सन्स लाइट फॉल ऑन इट, वो कब चमकता है, जब उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश जो है वो उसके ऊपर पड़ता है, उसके बाद में वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, उसके बाद फिर वो चमकता है। सिंस द मून इज अ नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ, इट गोस अराउंड द अर्थ, इसलिए हमें कह सकते हैं कि मून जो है वो किसका, अर्थ का नेचुरल सेटेलाइट है। इट कम्प्लीट्स इट्स वन रिवोल्यूशन इन 27 डेज एंड 8 आवर्स, ये पूरा इसका एक रिवोल्यूशन जो है वो 27 दिन और 8 घंटे में पूरा कंप्लीट करता है। ये देख सकते हो आप, ये पिक्चर में दिया हुआ है कि किस तरीके से जो मून जो है वो अर्थ के चक्कर लगा रहा है। वी सी डिफरेंट फेसेस शेप ऑफ द मून, हमको मून के अलग अलग शेप दिखाई देते हैं। दी शेप्स आर कॉल्ड फेसेस ऑफ द मून, ये शेप क्या कहलाते हैं, मून के फेसेस कहलाते हैं। द फेस ऑफ द मून इज हाउ मच अ मून अपेयर्स टू अस ऑन द अर्थ टू बी लिट अप बाय द सन, अब क्या हो रहा है कि सन की लाइट भी हमारे अर्थ पे गिर रही है और जो मून जो है वो अर्थ के चक्कर लगा रहा है, तो उस कंडीशन में मून का कितना हिस्सा हमको दिखाई देता है वो देखो, ये देख सकते हैं आप, न्यू मून, वैक्सिंग क्रिसेंट मून, फर्स्ट क्वार्टर मून, वैक्सिंग गिबियस मून, फुल मून, वेनिंग गिबियस मून, थर्ड क्वार्टर, वेनिंग क्रिसेंट मून, ये क्या है, सारे इसके फेसेस हैं। द मून गोज अराउंड द अर्थ सो द फेस चेंजेस, अब मून जो है वो क्या करता है, अर्थ के चक्कर लगाता है, इसलिए उसके जो फेसेस हैं वो क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। वी विल स्टार्ट विथ व्हाट इज कॉल्ड द न्यू मून फेस, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये जो नया मून होता है ना, उस फेस से स्टार्ट करते हैं। दिस इज वेयर वी कैन नॉट सी द मून एट ऑल, उस टाइम पे हमको मून जो है वो पूरा दिखाई नहीं देता है, थोड़ा सा भी दिखाई नहीं देता है। द मून इज बिटवीन द अर्थ एंड द सन, इस टाइम पे जो मून जो है वो अर्थ और सन दोनों के बीच में होता है। आफ्टर ए न्यू मून वी सी अ मोनिक डिस्क, उसके बाद में हमको मून डिस्क दिखाई देती है। दिस इज कॉल्ड द क्रिसेंट मून, जिसको क्रिसेंट मून कहा जाता है। द क्रिसेंट मून अपेयर 2 और 3 डेज आफ्टर द न्यू मून, न्यू मून के 2 से 3 दिन बाद तक हमको क्रिसेंट मून दिखाई देता है। वेन द मून अपेयर टू बी मोर देन द हाफ, इट इज कॉल्ड द गिबियस मून, अब जब मून आधे से ज़्यादा दिखाई देने लग जाता है, लगभग आधा दिखाई देने लग जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, गिबियस मून कहते हैं। एज द मून गोस अराउंड द अर्थ वी कैन सी मोर एंड मोर ऑफ लिट अप साइट अंटिल वी गेट अ फुल मून, अब उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे करके मून जो है वो अर्थ के चक्कर लगाते जाता है, वैसे वैसे हमको मून जो है वो पूरा दिखाई देने लगता है। ऑन अ फुल मून द अर्थ लाइज बिटवीन द सन एंड द मून, अब जब फुल मून दिखाई देने लगता है उस टाइम पे क्या होता है, हमारी जो अर्थ जो है वो सन और मून दोनों के बीच में आ जाती है। द फुल मून इज सीन इन 2 वीक्स टाइम, जो फुल मून जो है वो 2 वीक्स टाइम में दिखाई देता है। फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स, पहले की जो 2 हफ्ता होते हैं उनमें कैसा दिखाई देता है, वेन द लीट पार्ट ऑफ द मून गोस ऑन इंक्रीजिंग इट इज कॉल्ड अ वैक्सिंग, पहले 2 हफ्ता में क्या होता है कि मून जो है वो धीरे धीरे करके आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता है, उसको वैक्सिंग कहते हैं। और द नेक्स्ट 2 वीक्स, अगले 2 हफ्ता में, वेन द इट लीट पार्ट ऑफ द मून गोस ऑन डिक्रीजिंग इस कॉल्ड वेनिंग, और बाद के जो 2 हफ्ते रहते हैं उनमें मून जो है वो आपको बिल्कुल घटता हुआ दिखाई देता है, और उसको क्या कहते हैं, वेनिंग कहते हैं। इसमें क्या होगा, धीरे धीरे करके मून जो है वो पूरा डिसअपेयर हो जाएगा,
एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको दिखाई नहीं देगा, इसको वेनिंग कहते हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका ये यही एंड होता है।